नमस्कार, मैं हूं सिमरन कौर। जी न्यूज के मुंबई एडिशन में आपका स्वागत है। मुंबई की खबरों में आज बात ऐसे दो वैज्ञानिकों की जिन्होंने दावा किया है कि उनके पास किसी भी सतह को 3 महीने तक वायरस फ्री करने का फॉर्मूला है। बताएंगे महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने किसे FIR की धमकी दी। दिखाएंगे जुम्मे की नमाज पर सियासत। बस अगले 15 मिनट आप जी न्यूज के साथ बने रहिए। महाराष्ट्र में पतंजलि की कथित कोरोना की दवा कोरोनिल की बिक्री नहीं होगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दवा की बिक्री की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। अनिल देशमुख ने कहा है कि दवा के क्लिनिकल ट्रायल को लेकर अभी जांच बाकी है। इससे पहले केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने भी दवा के विज्ञापन पर रोक लगा रखी है। योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने जिस दवा को कोरोना संक्रमण के इलाज की दवा बताकर पेश किया है, वो दवा महाराष्ट्र में नहीं बिक पाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोनिल को दवा के रूप में महाराष्ट्र में बिक्री की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पतंजलि की इस दवा पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि ये दवा कोरोना संक्रमण को ठीक कर सकती है या नहीं, इसकी जांच अभी हो रही है। साथ ही गृह मंत्री ने इस दवा को बेचने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही। जब तक केंद्र शासन की परमिशन नहीं मिलती, इस प्रकार की वो एडवर्टाइजमेंट, गलत एडवर्टाइजमेंट या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट वो नहीं कर सकते। और उस प्रकार की उन्होंने महाराष्ट्र में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देने की कोशिश की तो उनके ऊपर गुनाह दाखिल महाराष्ट्र में किया जाएगा। हालांकि महाराष्ट्र में बीजेपी के विधायक राम कदम ने कहा कि बिना जांच किए पतंजलि की इस दवा को फर्जी बताना सही नहीं है। योग अध्यात्म और देशभक्ति के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया है, त्यागी जीवन है, जो लोगों के हितों के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की दवा को जांच पड़ताल के बगैर स्पूरियस बोलना, बनावटी बोलना, ये कहां का न्याय है। दावा ये भी किया जा रहा है कि पतंजलि ने दवा का लाइसेंस सर्दी खांसी बुखार और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवा के रूप में लिया है और यही वजह है कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने इस दवा को कोरोना की दवा के रूप में प्रचारित करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाई है। महाराष्ट्र में बिक्री पर रोक लग गई है। जाहिर है वैसे में अगर पतंजलि महाराष्ट्र में इस दवा की बिक्री की कोशिश करता है तो कानूनी अड़चने खड़ी हो सकती हैं। ऐसा ना बाजी मीडिया मुंबई। मुंबई के दो वैज्ञानिकों ने किसी भी सतह को वायरस फ्री करने का फॉर्मूला तैयार करने का दावा किया है। दावा है कि इस फॉर्मूला से आप किसी भी सतह को कम से कम 3 महीने तक वायरस फ्री रख सकते हैं। कोरोना काल ने दौड़ती भागती जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। हर कोई इस अदृश्य दुश्मन की वजह से दरवाजे के हैंडल से लेकर बिजली के स्विच तक यानी किसी भी चीज को छूने से डर रहा है। लेकिन IIT बॉम्बे से पढ़ाई कर चुके मुंबई के दो वैज्ञानिकों का दावा है कि एडवांस एंटी माइक्रोबियल नैनो पार्टिकल टेक्नोलॉजी से बना उनका ये लिक्विड सॉल्यूशन आपको वायरस से कम 90 दिनों तक बचा सकता है। बट हमारा कोटिंग का जो सबसे बड़ा क्लेम और जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है कि आप एक बार लगा लो तो आपको बार बार उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा। जस्ट अप्लाई वंस, गेट प्रोटेक्टेड फॉर 90 डेज। इन वैज्ञानिकों का दावा है कि उनका ये उत्पाद भारत में भी मौजूद सभी मापदंडों पर खरा उतर चुका है, जबकि विशेष रूप से कोरोना वायरस पर इसके असर को देखने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के प्रयोगशाला में शोध का काम जारी है। इन दोनों वैज्ञानिकों को यकीन है कि अगले कुछ हफ्तों में उनके इस आविष्कार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिल जाएगी। This combination of silver and quartz we have created, and then we tested it for different viruses. COP2, in this moment it is not possible. Globally it is not possible. We have sent the material in UK, USA and UK for test of human corona, and we are waiting for the report. But other reports are ready. इनके शोध का मकसद यही है कि लोग सावधानी से लेकिन बिना डर के सामान्य कामकाज कर सके। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन वैज्ञानिकों के दावे को मान्यता मिल जाती है तो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मस्तक फक्र से ऊंचा हो जाएगा। राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। मुंबई में लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए BMC ने एक ऐसी लिफ्ट लगाई है जो हाथों से नहीं पैरों से ऑपरेट होती है। साथ ही कॉन्टैक्टलेस वाटर डिस्पेंसर और वॉश बेसिन भी लगाए गए हैं। मुंबई से जी मीडिया संवाददाता राजीव रंजन सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के संक्रमण के दौर में आखिर ऑफिसों में कैसे बदलाव किए जा रहे हैं ये जानना बेहद जरूरी है।
जो भी लोग आते हैं बाहर से उनको पहले यहाँ पर स्क्रीनिंग होके हाँ ये दिख रहा है 44.94 ग्रीन सो आई एम सेफ आई कैन गो इनटू द ऑफिस जी हाँ ये सैनिटाइजर फूड सैनिटाइजर के बाद अब आप बारी आती है लिफ्ट पर यानी ये जो बटन है पहले ये भी वर्क करेंगे लेकिन इसके अलावा अब ये फुट्स की तरह से काम किया जाएगा छह अलग अलग हमने इसे प्रेस किया अब इसके बाद हम फोर्थ फ्लोर पे जा रहे हैं यानी फोर्थ फ्लोर पे ये लिफ्ट अब जाएगी अब ये भी है कि लिफ्ट में खड़े रहने के लिए लोगों के लिए अलग अलग यानी जो फुट की तरफ से इधर से खड़ा रहना होगा हर किसी के चेहरे दूर रहने चाहिए ये भी निशानी दी गई है कि इनसे लोगों का हर लोग दूर रहे यहाँ जैसे फोर्थ फ्लोर पे आ गए तो अगर ऊपर जाना है तो यहाँ अलग प्रेस कर सकते हैं नीचे जाने के लिए अलग प्रेस कर सकते हैं ऊपर जाना तो अप प्रेस कीजिए डाउन जाना है तो डाउन प्रेस कर सकते हैं आखिर ये क्या सिस्टम है किस तरीके से बनाया गया है पूरे फ्लोर पे एक ही वाटर डिस्पेंसर है तो सारे लोगों के हाथ यहाँ पे लगते हैं तो हम लोगों ने फुट ऑपरेटेड इसको भी कन्वर्ट कर दिया है फुट ऑपरेट किया कि पानी जो है वो इमीडिएटली आना शुरू हो जाता है महाराष्ट्र में जुम्मे की नमाज मस्जिदों में अदा करने की इजाजत मांगी गई है एक संस्था ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है चिट्ठी में सुप्रीम कोर्ट के जगन्नाथ रथ यात्रा को मंजूरी देने के फैसले का हवाला दिया गया है फिलहाल राज्य सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है विश्व हिंदू परिषद ने इस मांग का विरोध किया है रजा एकेडमी नाम की एक संस्था की ओर से लिखी गई इस चिट्ठी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने फैसले में जगन्नाथ रथ यात्रा को मंजूरी दी है सुप्रीम कोर्ट ने इसे पवित्र धार्मिक यात्रा बताते हुए मंजूरी दी ऐसे में महाराष्ट्र की मस्जिदों में भी जुमे की नमाज अदा करने की इजाजत दी जाए चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र है कि इस्लाम में नमाज का बहुत महत्व है और नमाज अदा नहीं कर पाने की वजह से मुसलमानों में बेचैनी है हुकूमत के शरायत होंगे हम उन शरायत की पर अमल करते हुए उसकी पाबंदियों के साथ जो है हम नमाज जुमा अदा करेंगे हम गुजारिश यही करेंगे कि महाराष्ट्र हुकूमत से उद्धव ठाकरे से कि हमें नमाज जुमा अदा करने की इजाजत देते फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ने तो इस बारे में किसी तरह का फैसला नहीं लिया है महाराष्ट्र में अभी तक का इस तरीके का कोई निर्णय नहीं लिया गया महाराष्ट्र सरकार इस वक्त जो है सबसे पहला उनका जो ये है प्रेफरेंस है वो कोरोना से लोगों को निजात दिलाना कोरोना को रोकना कोरोना के खिलाफ जो है जंग जीतना लेकिन विश्व हिंदू परिषद की तरफ से विरोध शुरू हो चुका है विश्व हिंदू परिषद को नमाज की तुलना जगन्नाथ रथ यात्रा से किए जाने पर आपत्ति है मुस्लिम समाज ये कहता है कि उनको भी रोज दैनंदिन नमाज के लिए मस्जिद खोलने की अनुमति दी जाए ये बिल्कुल ठीक नहीं दोनों चीजों को जोड़ना देश के कई हिस्सों में जहां मंदिर और मस्जिद खुल चुके हैं वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के चलते अभी भी पाबंदी है ऐसे में महाराष्ट्र सरकार जुमे की नमाज की इजाजत देती है तो मंदिर गुरुद्वारों और चर्च की तरफ से भी अपनी अपनी धार्मिक गतिविधियों के लिए मांग बढ़ सकती है ऐसा ना बाजी मीडिया मुंबई प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर डाउनलोड इट नाउ